हेलो फ्रेंड्स, सी प्रोग्रामिंग सीखने की इस सीरीज में आज हम देख रहे हैं स्ट्रिंग की लेंथ कैसे फाइंड करें। तो सबसे पहले हमें एक स्ट्रिंग की जरूरत पड़ेगी, तो वह मैं यहाँ पे डिक्लेयर कर देता हूँ। लेट अस से कैरेक्टर str20। उसके बाद मैं clr str लिख देता हूँ ताकि हमें कोई प्रीवियस आउटपुट दिखाई ना दे, और लास्ट में मैं getch लिख देता हूँ। अभी स्ट्रिंग की लेंथ फाइंड करने के लिए हमें सबसे पहले यूजर के पास से स्ट्रिंग को रीड करवाना पड़ेगा। तो उसके लिए मैं एक स्कैनर स्टेटमेंट लिखता हूं, और उस स्कैनर स्टेटमेंट के अंदर मैं लिखता हूं परसेंटेज इन द स्क्वायर ब्रैकेट कैरेट स्लैश एन और उसके बाद str, यानी कि ये स्कैनर स्टेटमेंट हमें मल्टीवर्ड स्ट्रिंग रीड करके देगा। अभी इसके इक्विवेलेंट हम getS भी लिख सकते हैं, जिसके अंदर हम सिंपल लिखेंगे getS str। अभी स्कैनर के ऊपर हम एक प्रिंटएफ स्टेटमेंट लिख देते हैं, और उस प्रिंटएफ स्टेटमेंट के अंदर हम सिंपल सा मैसेज छोड़ रहे हैं एंटर अ स्ट्रिंग। अभी यहाँ पे हम ऐसा अज्यूम कर रहे हैं कि स्ट्रिंग की वैल्यू कंप्यूटर है, यानी कि हमें कंप्यूटर की टोटल लेंथ फाइंड करनी है। लेकिन उसके लिए हमें कंप्यूटर के सारे कैरेक्टर्स को वन बाय वन चेक करना पड़ेगा। तो उसके लिए सबसे पहले हम सी, उसके बाद ओ, उसके बाद एम, उसके बाद पी, उसके बाद यू, उसके बाद टी, उसके बाद ई और उसके बाद आर को चेक करेंगे। और प्रीवियस वीडियोस में हमने देखा था कि कोई भी स्ट्रिंग होती है वो हमेशा नल कैरेक्टर से टर्मिनेट होती है, यानी कि लास्ट कैरेक्टर हमारा नल कैरेक्टर आएगा। अभी सी और कुछ नहीं है लेकिन str ऑफ 0 है, यानी कि हमारे कैरेक्टर एरे या फिर स्ट्रिंग का पहला कैरेक्टर है। उसके बाद ओ और कुछ नहीं लेकिन str ऑफ 1 है, एम और कुछ नहीं लेकिन str ऑफ 2 है, पी और कुछ नहीं लेकिन str ऑफ 3 है, यू और कुछ नहीं लेकिन str ऑफ 4 है, टी और कुछ नहीं लेकिन str ऑफ 5 है, ई और कुछ नहीं लेकिन str ऑफ 6 है, आर और कुछ नहीं लेकिन str ऑफ 7 है, और नल और कुछ नहीं लेकिन str ऑफ 8 है। यानी कि जब तक हमें नल कैरेक्टर ना मिले तब तक हमें लेंथ की वैल्यू में एक एक बढ़ा दे जाना है। यानी कि हम ऐसा अज्यूम कर ले कि इनिशियली लेंथ की वैल्यू 0 है, पहले कैरेक्टर को एक्सेस कर लेने के बाद लेंथ की वैल्यू 1 हो जाएगी, सेकंड कैरेक्टर एक्सेस करने के बाद लेंथ की वैल्यू 2 हो जाएगी, थर्ड कैरेक्टर एक्सेस करने के बाद लेंथ की वैल्यू 3 हो जाएगी, फोर्थ कैरेक्टर एक्सेस करने के बाद लेंथ की वैल्यू 4 हो जाएगी, फिफ्थ कैरेक्टर एक्सेस कर लेने के बाद लेंथ की वैल्यू 5 हो जाएगी, सिक्स्थ कैरेक्टर एक्सेस कर लेने के बाद लेंथ की वैल्यू 6 हो जाएगी, सेवेंथ कैरेक्टर एक्सेस कर लेने के बाद लेंथ की वैल्यू 7 हो जाएगी, एथ कैरेक्टर रीड करने के बाद लेंथ की वैल्यू 8 हो जाएगी, और जब नाइन्थ कैरेक्टर हम रीड करें उस वक्त हमें टर्मिनेट हो जाना है क्योंकि नाइन्थ कैरेक्टर हमारा नल कैरेक्टर है। तो अभी इसी लॉजिक को हम प्रोग्राम के तौर पर कन्वर्ट कर देते हैं, यानी कि इनिशियल हमारे लेंथ हम 0 ले लेते हैं, और फिर हम एक लूप लेते हैं जिसको हम जब तक हमें नल कैरेक्टर ना मिले तब तक एग्जीक्यूट करेंगे। यानी कि सिंपली यहाँ पे लिख देते हैं कि str ऑफ लेंथ जब तक नल ना हो तब तक हमें लूप को एग्जीक्यूट करना है, और लूप के अंदर हम सिंपली लेंथ को एक बढ़ा देते हैं। यानी कि जब लास्ट कैरेक्टर हम रीड करने जाते हैं यानी कि str ऑफ 8, उस वक्त लेंथ की वैल्यू 8 होगी, और लूप के बाहर हम लेंथ की वैल्यू को प्रिंट करवा देते हैं, जिसके लिए हम लिखते हैं कि लेंथ ऑफ परसेंटेज s इज परसेंटेज d, और परसेंटेज s की वैल्यू हम str से रिप्लेस कर रहे हैं और परसेंटेज d की वैल्यू हम लेंथ से रिप्लेस कर रहे हैं। यानी कि ये हमें आउटपुट के तौर पे सिंपली ऐसा देगा कि लेंथ ऑफ कंप्यूटर इज 8। अभी लूप के अंदर हमने लेंथ नाम के एक वेरिएबल का यूज किया है लेकिन उसको हमने ऊपर डिक्लेयर नहीं किया, तो सबसे पहले हम उसको ऊपर डिक्लेयर कर देते हैं, लेट अस से इंटीजर लेंथ, और उसके बाद प्रोग्राम को सेव कर देते हैं। प्रोग्राम को सेव करने के बाद उसको कंपाइल करते हैं, कंपाइलेशन में कोई भी एरर नहीं आई तो प्रोग्राम को रन करके देख लेते हैं, जहां पे मैं स्ट्रिंग के तौर पे कंप्यूटर इंसर्ट कर रहा हूं और हमें आउटपुट के तौर पे मिल रहा है लेंथ ऑफ कंप्यूटर इज 8, जो कि परफेक्टली सही है क्योंकि अभी अभी हमने इसी स्ट्रिंग के लिए लेंथ को मैन्युअली फाइंड किया है। अभी एक और बार प्रोग्राम को रन करते हैं जहां पे मैं स्ट्रिंग के तौर पे इंसर्ट कर रहा हूं हेलो वर्ल्ड, और हमें आउटपुट के तौर पे मिल रहा है लेंथ ऑफ हेलो वर्ल्ड इज 11, जो भी परफेक्टली सही है। पर हेलो वर्ल्ड के लिए हमने स्ट्रिंग मैन्युअली फाइंड नहीं की, पर आप खुद मैन्युअली फाइंड करके हमारे आउटपुट को वेरीफाई कर सकते हो। यानी कि हम ऐसा बोल सकते हैं कि इस प्रोग्राम के थ्रू हम 20 कैरेक्टर तक की स्ट्रिंग की लेंथ इजीली फाइंड कर सकते हैं।
अगर हमें यही टास्क 50 कैरेक्टर की स्ट्रिंग के लिए करना हो तो हमें सिर्फ एक ही जगह पे चेंज करना पड़ेगा, जो है डिक्लेरेशन के तौर पे, जहां पे हम str20 की जगह पे str50 कर देंगे। सो आई होप कि आपको इस प्रोग्राम के अंदर अच्छी तरीके से समझ आ चुकी होगी। आज के वीडियो में बस इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच।